पवित्र भूमि पे आकर मुझे आज बहुत खुशी हो रही है। और शुरुआत में ही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपका नेशनल सिक्योरिटी में, डिफेंस में कंट्रीब्यूशन है, दिल से पूरा हिंदुस्तान आपका धन्यवाद करता है। वायुसेना में, आर्मी में, नेवी में, सीआरपीएफ, बीएसएफ, पैरामिलिट्री फोर्सेस में, हर फोर्स में उत्तराखंड के युवा दिखाई देते हैं और वो हिंदुस्तान की हर रोज रक्षा करते हैं। पुलवामा में सीआरपीएफ के सैनिक शहीद हुए, आज मैं उनसे, उनके परिवारों से मिलने जा रहा हूं। और जैसे ही पुलवामा ब्लास्ट हुआ, एकदम हमने अपनी पोजीशन क्लियर कर दी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी पूरे दम के साथ सरकार के साथ और देश के साथ खड़ी है। मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ बोला, अपने सब प्रोग्राम कैंसिल कर दिए। उसी समय हमारे प्रधानमंत्री कॉर्बेट पार्क में नेशनल ज्योग्राफिक की पिक्चर बना रहे थे, साढ़े तीन घंटे इंटरनेट पे जाके आप उनके पोस्ट देख लीजिए, मुस्कुराते हुए, कभी आसमान की ओर, कभी यूं खड़े हैं, कभी यूं खड़े हैं। साढ़े तीन घंटे पूरा देश उनका प्रोग्राम जानता है। देशभक्ति की बात, दिन भर देशभक्ति की बात। आप लोगों ने अनिल अंबानी का नाम सुना है? कोई है यहां पे जिसने अनिल अंबानी का नाम नहीं सुना हो? सबने सुना है ना? क्या अपनी जिंदगी में हमने लंबानी ने हवाई जहाज बनाया है? एक हवाई जहाज बनाया है। मैं आपको गारंटी देता हूं, ये कागज अनिल अंबानी जी को दीजिए, उससे कहिए भैया कागज का हवाई जहाज बना, वो भी नहीं बना पाएगा। एचएल सरकारी कंपनी है, 70 साल से एचएल हवाई जहाज बना रही, मेघ हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, सुखोई, जयपुर, सब हवाई जहाज बनाती है और उनको मेंटेन करती है। जिस हवाई जहाज ने पाकिस्तान पर बम गिराए, उस हवाई जहाज का मेंटेनेंस एचएल कर रही है, सालों से कर रही है। मैं उत्तराखंड के युवाओं से एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताओ अनिल अंबानी में क्या है जो उसको नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया का सबसे बड़ा हवाई जहाज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया? आप मुझे समझा दो क्या ऐसा किया जो इसको दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट 30,000 करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने पकड़ा दिया?
लोगों को एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, सीआरपीएफ में भेजते हो, तो आपको बड़ी गहराई में समझ होनी चाहिए। और मैं आज आपको बताना चाहता हूं, यूपीए सरकार की इंटेलिजेंट डिफेंस मिनिस्टर एचएल कंपनी को हिंदुस्तान की सरकार ने राफेल का कॉन्ट्रैक्ट दिया, हिंदुस्तान की सरकार ने फ्रांस की सरकार को साफ बता दिया हवाई जहाज हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड बनाएगा। और दूसरी बात, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए दिए जाएंगे, एक पैसा और नहीं मिलेगा। हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनना था। भाइयों और बहनों, दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट है, इससे दुनिया में कोई और बड़ा डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, उनके साथ डेलीगेशन में अनिल अंबानी फ्रांस जाता है, हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी, अनिल अंबानी फ्रांस पहुंचते हैं। एक दो दिन के अंदर एचएल को परे कर दिया जाता है और अनिल अंबानी को सामने कर दिया जाता है। हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर पर्रिकर साफ कह देते हैं प्रेस को, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे अनिल अंबानी के बारे में, नए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ नहीं मालूम, पूछना है आप प्रधानमंत्री से पूछिए, उनका स्टेटमेंट है। भाइयों और बहनों, 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में नरेंद्र मोदी ने डासॉल्ट कंपनी से खरीदा। कॉन्ट्रैक्ट मिलने से 10 दिन पहले अनिल अंबानी नई कंपनी खोलता है, ढांचा खोखली कंपनी, 10 दिन पहले। 10 दिन बाद उसी कंपनी को राफेल का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है। कंपनी ने उससे पहले कुछ नहीं किया, 10 दिन पहले खुली और दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाता है। फ्रांस का राष्ट्रपति खड़ा होता है, प्रेस को कहता है, देखिए मुझसे आप सवाल मत पूछिए, क्योंकि उधर पूछ रहे थे कि भैया अनिल अंबानी को कैसे दे दिया। फ्रांस में मीडिया पूछ रही थी कि भैया इसने तो कभी बनाया नहीं, हवाई जहाज नहीं बनाया। फ्रांस का राष्ट्रपति कहता है मुझसे मत पूछिए, मुझे मीटिंग में साफ नरेंद्र मोदी ने क्लियर कर दिया था, अगर फ्रांस को राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए तो एचएल को परे कीजिए, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट दीजिए, 126 हवाई जहाज नहीं मिलेंगे, 36 मिलेंगे, मगर जो 126 के लिए आपको पैसा मिल रहा था, वो 36 के लिए हम आपको दे देंगे। वो उसने बोला है, फ्रांस के राष्ट्रपति ने बोला है। उसके बाद डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज निकलते हैं, इंटरनेट पे जाइए, हिंदू अखबार है, सर्च कर दीजिए, साफ मिल जाएगा। डिफेंस मिनिस्ट्री के कागज कहते हैं कि नेगोशिएटिंग टीम ने लिखा, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट का नेगोशिएशन कर रहे थे, सालों से कर रहे थे, उन्होंने लिखा कि प्राइम मिनिस्टर फ्रांस की सरकार के साथ डायरेक्ट नेगोशिएशन कर रहा है, हमें प्रधानमंत्री ने परे कर दिया है, सीधी बात नरेंद्र मोदी फ्रांस की सरकार और डासॉल्ट कंपनी से कर रहा है, हवाई जहाज के दाम बढ़ा दिए गए हैं और जो हवाई जहाज को कुछ महीनों में आना था अब उसे 10 साल लगेंगे। राहुल गांधी ने कह रहा है हिंदुस्तान की नेगोशिएटिंग टीम ने डिफेंस मिनिस्ट्री की फाइल में लिखा है, कागज हिंदू अखबार में छपे। सीबीआई चीफ कहता है
मैं इन्वेस्टिगेशन करूंगा। भाई और बहनों, 1:30 बजे रात को नरेंद्र मोदी उसे निकाल देता है। फिर सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, ये आपने गलत किया, इसे वापस लाओ। सीबीआई चीफ को वापस लाया जाता है और कुछ ही घंटों में नरेंद्र मोदी उसे फिर निकाल देता है। अब देखिए, सीधी सी बात है, हमने कहा कि जेपीसी करवा दीजिए, बात करा दीजिए, जेपीसी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में बात करा लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं मैं नहीं कराऊंगा। पार्लियामेंट हाउस में 4 सवाल मैंने पूछे, साधारण सवाल, अनिल अंबानी को कॉन्ट्रैक्ट क्यों दिया, उसने हवाई जहाज कभी नहीं बनाया, 526 करोड़ का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में क्यों खरीदा गया, एचएल को क्यों परे किया गया, अनिल अंबानी में 45,000 करोड़ रुपए का कर्जा है, एचएल ने 3,000 करोड़ रुपए हिंदुस्तान की सरकार को दिए, और आपने जो हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनना था उसे फ्रांस में क्यों बनने दिया, हिंदुस्तान के युवाओं से रोजगार क्यों छीना। आपने देखा, आप सबने देखा, 1.5 घंटा नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, उसमें न उन्होंने राफेल की बात की, न उन्होंने एयरफोर्स की बात की, आंख में आंख ना मिला पाए 1.5 घंटे। कभी नरेंद्र मोदी यूं देखे, कभी यूं करे, कभी ऊपर देखे, कभी साइड में आंख यूं करे। भाई और बहनों देखिए, पहले नारा हुआ करता था अच्छे दिन आएंगे, याद है आपको, अब नया नारा सुनिए चौकीदार। तो ये कैसे हो रहा है, कहीं भी आप जाके कह दीजिए चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। तो ये कहां से बात चली, ये कैसे चल गई बात, 4 साल में अच्छे दिन आएंगे थे, चौकीदार चोर है कैसे हुआ, क्योंकि ये सच्चाई है। भाइयों और बहनों, जहां भी जाते हैं झूठे वायदे। देखिए, आज मुझे बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई है कि खंडूरी जी यहां स्टेज पर बैठे हैं। आगे आइए थोड़ा। अब देखिए, अब मैं आपको बताना, बैठिए, अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि खंडूरी जी यहां क्यों है। देखिए, खंडूरी जी के पिता, आप लोग उनको बहुत अच्छी तरह जानते हो, जानते हो ना, ठीक है, आपको मालूम है कि खंडूरी जी पार्लियामेंट की डिफेंस कमेटी के चेयरमैन थे, मालूम है आपको। अब खंडूरी जी ने, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस देश के लिए, नेशनल सिक्योरिटी के लिए, सेना के लिए दी, और मैं कांग्रेस पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं बोल रहा हूं, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फौज में दी, उन्होंने पार्लियामेंट की कमेटी में एक सवाल पूछ लिया, नेशनल सिक्योरिटी का सवाल पूछा, सच्चाई बोली कि जिस प्रकार से सरकार को सेना की मदद करनी चाहिए, जिस प्रकार के हथियार सेना के हाथ में होने चाहिए, जो प्रिपरेशन सेना का होना चाहिए वो नहीं है, और खंडूरी जी ने सच्चाई बोली। क्या हुआ, खंडूरी जी को उस कमेटी के चेयरमैनशिप से नरेंद्र मोदी ने हटाया। क्या खंडूरी जी ने गलती की, उन्होंने सच्चाई बोली, उन्होंने कहा देखिए हिंदुस्तान की रक्षा का मामला है,
उत्तराखंड हर हर क्षण अपने बेटों को हिंदुस्तान की रक्षा करने भेजता है। कमियां हैं, कार्रवाई करनी है। और नरेंद्र मोदी जी क्या करते हैं, देशभक्त को पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन से उठा के फेंक देते हैं।